Assalamualaikum everyone, welcome to another episode of Daraz Review. Let's go! अगर आप पहली दफ़ा आए हैं, welcome to my channel, AGS Production, please like and subscribe. So guys, मैं आपको बताना चाहूँगी कि दराज का ये प्रोडक्ट मैंने पहले ही खोल लिया है क्योंकि ये मैं देखना चाहती थी कि ये कैसा प्रोडक्ट आया है. और नाउ आई एम मेकिंग द वीडियो आफ्टर ओपनिंग इट. 6 pieces ऑफ लगेज ट्रैवल बैग्स हैं. अच्छा, तो पहले मैं रिव्यू दे देती हूँ ये प्रोडक्ट मैंने क्यों ख़रीदा. क्योंकि मैंने ट्रैवलिंग करनी थी और मुझे कोई पाउचेस चाहिए थे जिससे मेरा सामान अलग अलग जगहों में आराम से पड़ा रह सकता है. एक एक करके मैं देखती हूँ कि ये कैसा प्रोडक्ट है, कहीं से ख़राब तो नहीं है. तो बेसिकली इन्होंने एक मैनुअल दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि ये 6 packets या पाउच आप किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े भी डाल सकते हैं. इन सब की प्राइस मैं आपको एंड में बताती हूँ, उससे पहले हम रिव्यू कर लेते हैं. सबसे पहले हम इनको अंदर से देख लेते हैं. ये पाउच जो है ये काफ़ी मीडियम साइज़ का है. अंदर से वाटरप्रूफ तो है लेकिन इसकी क्वालिटी इज़ गुड बट थिन. अच्छा, क्योंकि ये सीक्रेट पाउचेस हैं तो ज्वेलरी और मेकअप के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, या फिर आपने कुछ चीज़ों को अलग अलग रखना है तो वो इन पाउचेस में भी रख सकते हैं. इन पाउचेस के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल. मुझे अभी तक लार्ज और मीडियम ठीक लगा है साइज़, देखते हैं स्मॉल कितना छोटा है. अच्छा, इनकी ज़िप क्वालिटी इज़ क्वाइट लो क्योंकि ये ज़िप काफ़ी दफ़ा अटक रही है. आई थिंक ये फर्स्ट टाइम मैं खोल रही हूँ, इस वजह से ज़िप इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही. बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ेगा इनको. ये एक मीडियम साइज़ बैग है. ये कुछ बैग हैं जिसमें इन्होंने नेट लगाई हुई है ऊपर की तरफ ताकि आप देख सकें कि आपका अंदर क्या चीज़ है. बाकी ज़िप, अगेन ज़िप क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड. और मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा भारी चीज़ें होल्ड कर सकता है. कपड़ों के लिए ये ठीक रहेगा. मैंने अभी वैसे ट्राई नहीं किया लेकिन अगर आपने कुछ कपड़ों को सेपरेटली रखना हो तो ये काम आ सकता है. थोड़ा सा चौड़ा है बाकी बैग्स के निस्बत, ये काफ़ी स्पेस तो प्रोवाइड कर रहा है लेकिन पिक्चर में अगर ये बैग देखा जाए तो काफ़ी बड़ा लगता है. उस लिहाज से मुझे ये छोटा लगा है और मुझे लगा है कि इसमें काफ़ी चीज़ें नहीं आ सकती. 3-piece suit नहीं आ सकता बट 1-piece या 2-piece इसमें आ सकता है. मीडियम साइज़ में तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है. लार्ज साइज़ देखते हैं इसका. मटेरियल काफ़ी लाइट वेट है, बहुत ही पतला कपड़ा इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है और आई होप कि ये होल्ड कर सके चीज़ों को. अगेन ये सीक्रेट पाउच है छोटा वाला और ये बहुत ही छोटा है. नेक्स्ट चीज़ आता है अगेन वही ट्रांसपेरेंट पाउच और इसका हैंडल भी है बट आई डोंट थिंक सो इस हैंडल से आप इसको कैरी कर सकते हैं. ये टूट भी सकता है, थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है. यू कैन पुट सॉक्स इन देम. चलें, जो सबसे बड़ा बैग है वो भी एक ट्रांसपेरेंट बैग है. उसमें इसको देखकर लग रहा है कि एक सूट पूरा आ सकता है और ऊपर नेट लगी हुई है जो कि मुझे काफ़ी पतली लगी. इनको ट्रैवलिंग के लिए अगर यूज़ करें तो काफ़ी चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं. इन 6 luggage bags की प्राइस वॉज 9.29. अगर कोई सेल लगी हो उसमें लें बट मेरे ख्याल से इनकी क्वालिटी के हिसाब से ज़रा महंगे. प्लीज़ आप अपना भी रिव्यू कमेंट्स में दें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.